गंगा अच्छा। जी गहलो कटू गहलो अच्छा हाँ नरक तो है ही गटर को पानी है ही करते हैं योगी बाबा तक हमने भू पोर्टल पे भेजते ही वीडियो बना बना के भेजते ही आज जाए हम तो कम है गए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीपक सारस्वत और आज हम खड़े हैं मथुरा के नरौली थाने के सामने। वैसे नेशनल हाईवे 19 शायद यहां से मेरे कैमरे में कुछ दूरी पर दिख रहा होगा और नेशनल हाईवे से ये रास्ता जो है हमारे मथुरा को इंटर करने वाला है। मथुरा में प्रवेश करेंगे आप तो ये धौलीपा वाला जो रोड है इसी से प्रवेश करना पड़ेगा क्योंकि आपको रेलवे स्टेशन जाना है, पुराने बस स्टैंड जाना है, नए बस स्टैंड जाना है तो यही मेन रास्ता है। स्टेट बैंक चौराहे जाना है तो यही रास्ता है, होली गेट जाना है तो यही है, हाथरस अलीगढ़ और यमुना एक्सप्रेस वे पर भी जाना है तो यही रास्ता ज्यादातर यूज होता है। और यहाँ से शायद कुछ किलोमीटर की दूरी होगी जो हमारे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी का आवास भी है और एक यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित कॉलोनी है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ अर्थात इंद्र देवता का स्थान। और इंद्र देवता का स्थान और इंद्र देवता के स्थान के सामने नरक देवता, नरक देवता उन्होंने इसलिए कब्जे में कर रखे हैं कि देखिए आप किस तरह से आ रहे हैं, नहा धो के आ रहे हो बाई चांस, आप शुद्ध होकर आ रहे हो शायद, और अगर शुद्धता करके आ रहे हो और बाई चांस आप नहा नहीं पाए, आपके घर में पानी नहीं है तो ये क्या व्यवस्था है साहब? ये नहाने की व्यवस्था है ना, बिल्कुल है, स्विमिंग पूल है, यमुना जी है या तुम या गंगा या। जी कह लो कच्चू कह लो अच्छा हाँ नरक तो है ही, गटर को पानी है ही पूरा, गटर को पानी है ना पूरा पूरा, एक तो भैंसो रहे के बारिश को पानी भर गो, गटर को पानी है पूरा। किस कॉलोनी का पानी आता है यहाँ? इंद्रप्रस्थ का आता है, इंद्रप्रस्थ का आता है पूरा पानी पूरा। जो मान लो कि जहाँ में मतलब आए दिन 10-15 आदमी गिरने तो इंद्रप्रस्थ के लिए कोई सीवरेज वगैरह नहीं लगा रखी है? नहीं है कुछ नहीं, आप देख लो जाके। तो इस कॉलोनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्डर पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों प्रशासन चुप्पी साध रहा है? बताओ देखो मथुरा में पांच विधायक दो सांसद, राज्यसभा और एक एमा मालनी जी, ठीक है, एमएलसी एमएलए उनकी गिनती मत करो, वो लाइन लगा के महापौर बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की और मथुरा में पूरा प्रशासन बीजेपी को ही है। पहले किसी टाइम पर ये कहते थे जब अखिलेश की सरकार थी और मायावती की कि साहब दूसरी सरकार है इसलिए हम कार्य नहीं करा पा रहे हैं, करा पा रहे सही बात है, पर अब जो कार्य देख तो लियो कितना बढ़िया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि रोड में गड्ढे मिलने पर अधिकारियों पर जुर्माना होगा, पीडब्ल्यूडी पर कोई जुर्माना नहीं है, इतनी शिकायत करते हैं योगी बाबा तक, हमने भू पोर्टल पे भेजते ही वीडियो बना बना के भेजते ही आज जहाँ कम से कम है गए 6-7 महीना या रोड है, कोई सुनवाई ना है, कोई कार्रवाई ना है। योगी इधर आते कहा योगी आए तो राज्य तो बन जाए, योगी तो उधर आते हैं लक्ष्मीनारायण कोटी पर राज्य बना के कम्प्लीट कर देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यालय भी मथुरा में कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर है, वो रोड तो बढ़िया बना रखा है कार्यालय वाले को साहब, यहाँ हमें पता चले कार्यालय वाले तो बढ़िया बना रखा है, राज्य तो बना जाए, योगी जी इस रोड पे आ जाए तो राज्य तो बन जाए कम्प्लीट हो जाएगा। और फिर कितना बार टूट जाएगा? टेम्परेरी 2-4 रैंप बंद हो जाए, 22 पर खत्म खत्म। अच्छा एक चीज बताओ, मथुरा में जो विकास कार्य हो रहे हैं क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं सर, यार 5 साल से देखे यही हाल है, आपको गड्ढे में रोड है यार, रोड में गड्ढे हैं। ओहो हो सर, लोन डिपार्टमेंट सरकार को लोन फॉर्म दे रखा है, कुछ नहीं दे रहे हो? एक आज तो मर जाएगा जब सरकार सुधाएगी। ये भाई साहब लोन कर दोगे ना 2-4 करोड़ को तो रोड बन जाएगी, तो सरकार कहाँ से चले रही है, तो लोन का जो अप्लाई तो कर देते, तुम ही कर देते अपनी तरफ से। अरे हम तो अप्लाई करेंगे, जैसे सब दिख रही है वोट लेके भग जामे, जो कहेंगे जो हेमा मालिन सांसद है, वैसे सांसद है वैसे तुम लखनऊ में जाके बैठ रही है का, और यो एमएलए साहब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। एक चीज पूछो, हेमा मालिनी जी अब तीसरी बार वो सांसद है, 3 बार में मथुरा जिले में कई बार रही है,
तीन बार बन चुकी है, तीन बार में तीन दिन भी ढंग से ना मिली होंगी वो। नाचवेगा तो पूरा टाइम है, अब नाचने का टाइम है, लेकिन बीजेपी के सकल में मिल रही है, उन्हें कछु कर नहीं करता ना आवे हेमा मालिनी जी ने, ना उन्हें बोलना आवे ना कछु आवे, योगी जी की सकल पे मोदी जी की सकल पे उन्हें वोट मिलेगा बाबू जी, बाकी लाभ ना कछु ना मिलो, एक आज मर जाएगा तब सुध लेंगे, ये रोड है जहाँ मेरे ना कछु पुल बनो यहाँ पे, और जो अयोध्या में जो वोट ना मिला वहाँ विकास है, मथुरा में वोट मिल लो है तीन दो बार सांसद, यहाँ को विकास नहीं रहो, यहाँ वोट मिल लो ऐसा है। देखिए वोट ना मिलना ना कहें उसका रीजन बता दूं, जैसे मथुरा की हेमा मालिनी सांसद है ना, लोगों से नहीं मिलती, ऐसे ही जो वहाँ के सांसद खड़े थे वो दो बार से जीत रहे थे, लेकिन वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हुए तो लोगों ने हरा दिया तीसरी बार में। यहाँ पर अगर हेमा मालिनी हार जाती तो शायद अच्छा होता, इसी तरह का यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी है उसको तो जगह नहीं दी गई, वो मोदी जी के सकल में जीती है, हेमा मालिनी जी को कोई सुध नहीं है, कुछ हो या ना हो एडवर्टाइजमेंट करना नाचनो गानो ना, एक मर आ जाएगा जब सुध लेंगे, पटरी पलट गई जब सुध ले रहे, एक मरेगा जब सुध लेंगे, और कछु सुध ले रहे, पैसा खानो जी खानो, और चुनाव के टाइम ऐसे के हम हाथ जोड़ेंगे बाबू जी जे जोड़ेंगे कछु ना जानो यहाँ पर मथुरा में। भाई साहब आप क्या कहोगे, रोड में गड्ढे या गड्ढे में रोड, गड्ढे में रोड है यहाँ तो। ए नहीं भाई साहब, विकास की गंगा बह रही है, ए नहीं भाई साहब तुम गलत कह रहे हो, सब रे गंगा है विकास की, विकास की समझ लो या कैसे भी समझ लो, गड्ढे में विकास की गंगा है, उधर का झूठ नहीं, ईमानदारी से दिल पे हाथ यहाँ हाथ रखो, पहले देखो जब वाले हाथ है यहाँ हाथ रखो और बताओ जो गंगा जी जाना है, हम कछु मान लो विकास की गंगा है, कछु मान लो राम जी कह रहे विकास की गंगा, एक गंगा वो है जो आगे फंडा आवेगा करोड़ों बार तो खा गए, हर बार चुनाव आवे तो गंगा साफ होगी, गंगा साफ वो तो बहिना है जे गंगा साफ होगी, गंगा जा देखो विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा ना तो तुम तैर के देख लो, आप क्या खड़े है जाए आपके लिए बीजेपी मिल जाए वोट तो तुम कह रही हो चाचा विकास की गंगा, रुक के तो बता जाओ विकास की गंगा बहुत गजब चल रही है, गजब चल रही है, बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है साहब, ये बुरो है क्या गुरु, देखो गर्मी लगे तो हाथ मुंह धो लो नहा लो कर लो, काहे को नहा लो, बहुत ज्यादा बुरा हाल है साहब, कपड़े खराब हो जाते, गंदे हो जाते, बेकार हो जाते, यहाँ रोज निकलते हैं वो कपड़े पीछे रख के लेके जाने पड़ रहे हैं, बाबू जी बहुत ज्यादा व्यवस्था बंद है यहाँ पे। अच्छा कितने विधायक है मथुरा में, देखिए इसमें बताने की क्या आवश्यकता है, सार आपके संज्ञान में सब है, हमारे सारे विधायक जी हमारे सांसद जी और यहाँ की व्यवस्था देखे कि मेन लिंक रोड है तो कचुना भैया सरकार से बन जाती है उसकी बात ध्यान है नहीं, इतने महीने हो गए रोज गिरती हैं, सिर्फ पैसे के नाम पे वोट के नाम पे पार्षद जी आ जाते हैं, विधायक आ जाएंगे मैनेजर आ जाएंगे सब काम करा के कोई राजी ना है, कितनी बार जाके डीएम के पास दिया है पार्षद के ऊपर कह दी कोई सुनवाई नहीं कोई कुछ नहीं, वो तो ये कह रहे हैं हमारी तो विकास की ऐसी गंगा बह रही है मथुरा में एक गड्ढा ना रोड पे आपके सामने देख रहे हो आप, विकास हुआ होता तो इतने दिन से भर गया होता, क्या कह रहे बाबू जी, अभी अभी गया था ना अपने बच्चे गमी हुई थी भतीजे की तो मैं इधर से गया था मुझे पटक लग गई दोनों में, ए बाबू जी गंगा जी बाहर रही है विकास की, तुम जो कह रहे हो पटक लग गई, हमें लग गई बोलते हैं ये देखो कितना कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जमुना जी यही ला के रख देंगे देखो देश में विकास का कार्य, देखो आप अब आप स्विमिंग पूल में अगर आपको नहाना है 2 फुट नीचे आ जाइए, अगर आपको हवाई जहाज में उड़ना 2 फुट ऊपर चले जाइए, जरा सी तेजी से गाड़ी लाइए, आप क्या कह रहे हो चाचा, अभी हमारी गाड़ी बंद रही है, इतना रोड खराब है, योगी जी क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात को, हजारों बार टर्री बल दी जाती है, हम गरीब जाए तो जाए का इस रोड को क्यों नहीं बनवा रहे, मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे, कितना दूर तक ये ऐसा रोड है, ये काफी दूर तक है मात्र धोली पे तक है ऐसा ही, इस बात को क्यों नहीं सुन रहे केंद्र ना सेंटर कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है, वोटों के लिए तो एमपी एमएलए सब आते गरीबों के लिए, हेमा मालिनी क्यों नहीं सुन रही है, मेरा नाम देवकी नंदन है, मैं सभी नेताओं से कहता हूँ हाथ जोड़ के इस रोड को बनवाने की तैयारी करें, गरीब बहुत परेशान है, विकास की तो गंगा बह रही है गुरु, अरे विकास की गंगा बह रही है, विकास की बताइए गंगा जी ना बह रही है, विकास की भरा हुआ है, गंगा ना बह रही है, राधा रानी की जय हो, जय हो राधा रानी की जय, विकास की जय हो, थाना हाईवे जरा सी दूरी पर, हमारे कैबिनेट मंत्री जी का घर जरा सी दूरी पर, अगर कैबिनेट मंत्री जी को गलती से थाना हाईवे आना पड़ जाए तो ये रोड दिखती है, यहाँ से देखो अधिकारी भी निकलते हैं, सरकारी गाड़ियां निकल रही हैं,
लेकिन किसी को ये दिखता नहीं है। क्यों बाबू जी दिखता है गड्ढा? ये गड्ढा किसी को दिख रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार दिख रहा है। ए बाबू जी तुम्हें विकास की गंगा ना मिल रही, तुम्हें देखो वो पक्को लग रहा है तुम कांग्रेसी या सपा के आदमी हो। कांग्रेस की जो भी है दो साल में 6 बार बन गया। ए विकास की गंगा बह रही है बीजेपी, तभी तो विकास हो रहा है। दो साल में 6 बार बन गया विकासी है, इतना बड़ा विकास हो रहा है। क्या बताओ, देखो गंगा जी विकास की गंगा है, बहुत तंगड़ा विकास हुआ है। दो साल में 6 बार बनाए रोड, फिर भी हालत यही है। 6 बार तो बना दिया बिल्कुल, और रोड में गड्ढे, बिल्कुल गड्ढे रोड में, गड्ढे में रोड, उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा हो गया। और विकास की गंगा तो जब ही दिखेगी ना, जब गंगा जी बहेगी रोड में, गंगा जी बहेगी विकास की। आप देखो हम लोग गलत बोलते हैं, बीजेपी का क्या नारा है विकास की गंगा बहा। गंगा जी कैसे दिखेगी, सूखी रोड तो दिखेगी नहीं। बिल्कुल सही दिख रही है, एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है बाबू जी। गंगा विकास की बह रही है, चक दिख रही है आपके सामने। कोई तो कह रहा हूँ, देखो बाबू जी तो जो कह रहे हैं कि ना गंगा ना वेरी गड्ढा है, गंगा जी बह रही है, गंगा जी बह रही है विकास की। भाई साहब ये समझ लो, लेडी जन का तो इतनी दिक्कत है, बहन बेटी आती है वो जाती है टूटी वो तो गिर जाती है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का हाथ टूट गया। कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं के लिए क्या कहोगे? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, वो क्या पता नहीं, ना प्रशासन सुनने वाला ना राजनेता सुनने वाला। जिस हिसाब से आप लोग बोल रहे हैं सब लोग, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मथुरा में ना तो विधायक है ना सांसद है ना मां कुछ नहीं है, बगैर मतलब शायद हमारा मथुरा अनाथ हो चुका है, नेता अनाथ हो गए है ना, अनाथ हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑफिस भी है यहीं पर कुछ किलोमीटर पर, तो कोई कहता ही नहीं है ना, वहां सूचना ही नहीं देता। और ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है, कम से कम इसकी पोर्टल पर हजारों बार शिकायत हो गई, हजारों बार। भाई साहब ये जब से सन 2014 से पहले का बना है, ये सरकार आई है जब से हेमा मालिनी तीसरी बार हो गई, यहाँ कुछ नहीं करा, यहाँ कुछ नहीं करा। हाँ भाई साहब विकास बढ़िया है, बिल्कुल नहीं करा भैया, विकास है ये। गंगा जी बह रही है गुरु, ये विकास है, इसे विकास कहते हैं, विकास कहते हैं इससे, विकास की गंगा है, विकास की गंगा जी, बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है। विकास की गंगा बह रही है ये पूरी तुम्हारे स्टेशन तक बह रही है, विकास पूरा रोड खराब हो रहा है, ये विकास की गंगा है, विकास की गंगा, विकास की गंगा, विकास की गंगा। भाई साहब गंगा बढ़िया बह रही है, बहुत बढ़िया बह रही है भैया, ऐसे विकास सही है ना? बिल्कुल साहब ऐसी सही है, पूरे मथुरा में जाना चाहिए जो रहने का जगह। हाँ मैं थोड़ी बहुत जगह बच रही है, खास कर कचहरी वाली रोड है, कुछ रोड है वहाँ पे और ना कैसा रहना चाहिए। वो योगी जी का जो ऑफिस है बाकी सामने और रह जाए तो आनंद आ जाए, तो साहब फिर तो सोने पे सवाल है ना। बिल्कुल देखो विकास तो हर जगह होना चाहिए, बिल्कुल वो रोड सूखी अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल सही बात है। पानी की जरूरत सही बात है, आदमी मथुरा में पानी की जरूरत है, बिल्कुल है। और दूसरा मोदी जी को, योगी जी को, हेमा मालिनी जी को, सबरे मंत्री को एक ही नारो है विकास की गंगा, विकास की गंगा। तो देखो गंगा तो जब ही दिखेगी जब पानी बहेगा। गुरु देखो कई सरकारें बदनाम नहीं करना चाहिए, सही बात है, है ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए सरकारों को न करो बदनाम, क्योंकि विकास की गंगा बहाती है, और रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड, ऐसे ही तो विकास की गंगा बहाती है। पैसे खूब आते रोड बनाने को है, लेकिन कहते भ्रष्टाचार दूर, लेकिन गड्ढे में भ्रष्टाचार बहाते हैं। रोड बनती 2 दिन पहले, 4 दिन में उखड़ जाती हैं, और बजट होते करोड़ों में पास, हजारों भी नहीं लग पाते हैं। मथुरा में विकास की गंगा के रोज नए आयाम लिखे जाते हैं, रोज नए आयाम। ऐसे ही मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विकास परिषद का कार्यालय है उसके सामने और ऐसा बह जाए गंगा तो कैसा लगेगा बाबू जी? बहुत अच्छा लगेगा, ये तो आप देख ही रहे हो, जनता परेशान है, और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के नाते देश विदेश के यात्री आते हैं। कहाँ बाबू जी, विकास की तो गंगा बह रही है, विकास की गंगा तो ये बाथरूम में बह रही है, लाट में बह रही है, चौराहे पर लाट लगा के जन्माष्टमी का करोड़ों अरबों खत्म कर दिया, विकास कुछ नहीं किया। चलिए जी विकास कुछ नहीं किया, और ये रोड है नरौली थाने से लेकर के, और ये मथुरा के लिए कनेक्ट होती है, इस रोड को बोला जाता है धौली प्याऊ वाली रोड, और इस रोड का हाल क्या कह रहे भाई साहब? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जिसके मुख से सुनो कुछ नहीं होगा। विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ पानी ही पानी मिलेगा, लोग पानी के लिए तरस नहीं रहे मथुरा के। इसी के साथ मैं अपनी कवरेज को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि ज्यादा तारीफ करूंगा सरकार की तो बुरा लग जाएगा, ज्यादा तारीफ अच्छी नहीं रहती है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, जय हिंद जय भारत।